हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको करना है लेटर ई, लेसन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, लेसन ई। ठीक है, ई, ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंजन, ई फॉर एल्बो। मींस ई का जो साउंड है वो है ए। ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंजन, ई फॉर एल्बो। ठीक है, फिर आपको ये ई ट्रेस करना है। ओके, यहाँ आपको लिखना है स्मॉल ई, यहाँ बीच से ऐसे टर्न करके ये स्मॉल ई आप करोगे, स्मॉल ई। ठीक है, देखिए स्मॉल ई कैसे लिखा जाता है। बीच से शुरू करना है और दो ब्लू लाइन के बीच में लिखना है। ठीक है, ये है स्मॉल ई। ठीक है, इसके बाद कैपिटल ई, पिंक ब्लू ब्लू तक स्टैंडिंग लाइन, एकदम स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन। फिर 1, 2 एंड 3 तीन लाइन में स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये है कैपिटल ई, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओके, फिर आपको यहाँ पे आएगी माउंटेन लाइन, अपर माउंटेन लाइन, ऐसे ये ट्रेस आपको जॉइंट करने हैं, एंड डाउन माउंटेन लाइन। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे आपको एग तो ई लिखना है, फिर एल्बो तो ई, एलिफेंट तो ई, इंजन तो ई। ठीक है, फिर पीछे के पेज में है एक एलिफेंट का बड़ा सा पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसको आपको ट्रेस करके जॉइंट करना है, ऐसे इसको आप जॉइंट करोगे पूरा का पूरा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जॉइंट करना है, फिर इसको कलर फिल करना है, जहां से डॉटेड लाइन जा रही है वहां से आप ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, डॉट्स जो है ना, इसको आप जॉइंट करोगे ऐसे। फिर इसमें बढ़िया सा आगे देखो एलिफेंट कैसा दिख रहा है, ऐसा, तो आपको भी ऐसा अच्छा सा कलर फिल करना है इसमें। ठीक है, ये है ई फॉर एलिफेंट। ओके, पूरा का पूरा आप ट्रेस करोगे ऐसे करके। हो गया ये जॉइंट हो गया, अब इसमें आप अच्छा सा बढ़िया सा कलर फिल करना। ओके, बाय।